डौकी थाना क्षेत्र के गांव नगला कांश में चल रही श्रीमद् भगवत कथा में रविवार को आखिरी दिन में भगवान का वामन अवतार और राजा बलि की कथा प्रसंग सुनाया गया। आगरा जनपद के डौकी थाना क्षेत्र के गांव नगला कांश में चल रही श्रीमद् भगवत कथा में रविवार को आखिरी दिन में आचार्य सपना शास्त्री ने अपने मुखारविंद की मधुर वाणी से भागवत में भगवान का वामन अवतार और राजा बलि की कथा का प्रसंग सुनाया। आचार्य ने कहा कि श्रीमद् भगवत कथा सुनने से मनुष्य के कई जन्म के पाप क्षय हो जाते हैं, हमें भागवत कथा सुनने के साथ उसका अनुसरण भी करना चाहिए। उन्होंने बताया कि वामन अवतार के रूप में भगवान विष्णु ने राजा बलि को यह शिक्षा दी, हम और अहंकार से जीवन में कुछ हासिल नहीं होता है। यह भी बताया कि ये धन संपदा क्षण भंगुर होती है, इसलिए इस जीवन में परोपकार करो। अहंकार गर्व घृणा और ईर्ष्या से मुक्त होने पर ही मनुष्य को ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। यदि हम संसार में पूरी तरह मोहग्रस्त और लिप्त रहते हुए सांसारिक जीवन जीते हैं तो हमारी सारी भक्ति एक दिखावा ही रह जाएगी। वामन विष्णु भगवान के पांचवे और त्रेता युग के पहले अवतार थे। ये ऐसे अवतार थे जो मानव शरीर में बौने ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए थे। भगवान वामन अंगूर का रूप धारण करके प्रकट हुए और भगवान राजा बलि के द्वार पर पहुंचे। तीन पग भूमि दान याचना की। राजा बलि ने वामन से छोटे रूप में देखकर भूमि दान करने के लिए सहर्ष राजी हो गए, लेकिन भगवान ने विशाल रूप धरकर दो पग में सारे लोक नाप दिए। जब राजा बलि को गलती का एहसास हुआ और प्रभु के आगे सिर झुका दिया, इस दौरान आयोजन शाली का राम मास्टर गुलाब सिंह वर्मा आदि मौजूद रहे। राधा दर्पण न्यूज के लिए आगरा से गजेंद्र तोमर की रिपोर्ट।